आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज्य स्तरीय संघ का सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को क्या जरूरी संदेश दिया जा रहा है। इसमें आप लोगों को राज्य स्तरीय संघ से संदेश और जो है कि जिला स्तरीय संघ से भी संदेश मिलेंगे सुनने को और समझने को। और यदि मेरे द्वारा साझा की गई यह जानकारी पसंद आई, अच्छी लगी तो अपने आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों से जुड़ी जो भी लेटेस्ट जानकारी लेकर के आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो वीडियो ध्यान से सुनिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। कल हम लोग हड़ताल वापसी का लेटर लगाए थे, इसलिए कि हड़ताल पर हम लोग वापसी ले रहे हैं। और आज जानकारी हुआ कि हमारी 6 बहना जो सेविका चयन मुक्त हुई है उसको वापसी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग फिर से जब तक हमारी 6 सेविका चयन मुक्ति से वापसी नहीं करिएगा तब तक हम लोग फिर वापस हड़ताल पर जाएंगे। क्योंकि हड़ताल तो में तो सब सेविका थे, सब सेविका और सहायिका बहने थी, तो फिर 6 को क्यों चयन मुक्त किया गया? करना है तो सबको कर दीजिए एक साथ। हड़ताल का लेटर लगाने के बाद भी, हड़ताल रहने के बावजूद भी 6 सेविका को हड़ताल चयन रद्द का लेटर निकाला गया, किस आधार पर पदाधिकारी ने निकाला उसका जवाब दिया जाए। नहीं तो हड़ताल हम लोग भी नहीं तो RTI लगाएंगे। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आंदोलन करना हक मांगना हमारा, हम लोग अपने हक के लिए हमको अधिकार है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिना सूचना का, बिना चिट्ठी का हम लोग हड़ताल में चले गए अपने मन से। एक सप्ताह के अंदर 6 सेविका बहनों को वापस नहीं चयन रद्द का दिया जाएगा लेटर, तो फिर से परियोजना में ताला बंद करेंगे। दोस्तों, हमारी बहनें इतनी कंफ्यूज हैं कि वो बोलने से पहले जो है कि घबरा जा रही हैं। घबराने का सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है कि उनके साथ की अन्य बहनों की चयन मुक्ति। आइए सुनते हैं इसी संबंध में जो है कि हमारे एटक प्रभारी पश्चिम चंपारण। मैं पश्चिम चंपारण की सभी सेविका सहायिका बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि पूरे पश्चिम चंपारण के सभी परियोजना में सेविका सहायिका बहनें हड़ताल पर हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से मैसेज डालकर, डराकर, धमकाकर, जबरन लिखवाकर यह सरकार और विभाग को शो किया जा रहा है कि हड़ताली सेविका सहायिका हड़ताल से वापस आ गई, जबकि यह सच्चाई नहीं है। यह पदाधिकारियों की चाल है और ये पदाधिकारी जो ICDS के पदाधिकारी हैं, चाहे वो CDPO हों, LS हों, DPO हों, जो भी हों, वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, विभाग को गुमराह कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिला की सभी सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं और जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है, सम्मानजनक समझौता नहीं होता है, तब तक पश्चिम चंपारण की सभी सेविका सहायिका बहनें हड़ताल पर रहेंगी। हम सेविका सहायिका बहनों से ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया की खबरों को देखकर आप गुमराह न हो, आप भयभीत न हो, आप घबराएं नहीं। पूरे बिहार के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं, मुकम्मल हड़ताल है और पूरे बिहार की सेविका और सहायिका के लिए आपका संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है। सरकार को आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा, इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। इन पदाधिकारियों के द्वारा जो गलत तरीके से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि फलाने परियोजना में इतनी सेविका हड़ताल से वापस आ गई, फलाने परियोजना में इतनी सेविका हड़ताल से वापस आ गई, ये सारी खबरें झूठ और मनगढ़ंत खबरें हैं। अपना चेहरा चमकाने के लिए CDPO और LS लोग इस तरह का काम कर रही है, जबकि सच्चाई है कि सभी सेविका सहायिका हड़ताल में हैं और जब तक इनकी 5 सूत्री मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार वार्ता नहीं कर लेती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। इसलिए मैं आप सभी सेविका सहायिका बहनों से इस हड़ताल को मजबूती से इस हड़ताल में बने रहने का आह्वान करता हूँ।